नमस्कार जय हिंद मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग्स पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलती रहे हम अपने चैनल पर एक टॉपिक सीरीज चला रहे हैं जिसमें सोशल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के कुछ टॉपिक्स को लेकर सरल भाषा में आसान भाषा में आपके बीच लेकर आ रहे हैं हमारी आज की ये वीडियो समकालीन विश्व राजनीति जो कि क्लास ट्वेल्थ की पॉलिटिकल साइंस की बुक है का सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट का एक बहुत ही मेन टॉपिक है जिस और एक नया टॉपिक है हमारे सिलेबस में अरब स्प्रिंग अरब स्प्रिंग का पार्ट वन हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर जिसे आप इस वीडियो को देखने से पहले ज़रूर देखें और ये इस टॉपिक का पार्ट टू है अरब स्प्रिंग का पार्ट टू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और इसके बाद पार्ट वन पार्ट टू के बाद जो बची हुई चीज़ें हैं उन्हें हम पार्ट थ्री में भी लेकर आएंगे ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो इसीलिए हमने इस पूरे टॉपिक को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है तो आप जुड़े रहें हमारे साथ और आ, हम नए नए टॉपिक ऐसे विषय लेकर आते रहेंगे आपके बीच आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक अरब स्प्रिंग पार्ट टू तो आइए दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अरब स्प्रिंग टॉपिक पर तो अरब स्प्रिंग के पार्ट वन में हमने बात कर ली थी जो पार्ट वन की वीडियो है उसमें हमने अरब स्प्रिंग को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था इसकी परिभाषा इसका अर्थ अभिप्राय क्या है उसे अच्छी तरह समझा था और साथ ही साथ हमने अरब स्प्रिंग की विशेषताओं के बारे में विस्तार से बात कर ली थी पार्ट वन में मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आप पार्ट टू देखने से पहले पार्ट वन अवश्य देखेंगे तभी आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आएगा तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक का पार्ट टू पार्ट वन आप पहले से ही देख चुके हैं जिसमें हमने अरब स्प्रिंग और उसकी विशेषताओं के बारे में बात कर ली थी तो देखिए आज के इस टॉपिक में हमारा जो अरब स्प्रिंग टॉपिक है इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरुआत करते हैं इस चीज़ से कि अरब स्प्रिंग जो घटना हुई करीब एक दशक तक चलने वाले जो विद्रोह धरना प्रदर्शन इत्यादि जो जो घटनाएं हैं अरब देशों की अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में और एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में बसे हुए देशों की जहां तानाशाही सरकारों और शासकों के खिलाफ ये घटना घटी करीब लगभग एक पिछले एक दशक में उन्हीं घटनाओं के अब हम कारणों की बात कर रहे हैं और हमारा टॉपिक होगा अरब स्प्रिंग के मुख्य कारण अरब स्प्रिंग के के मुख्य कारण हम इस घटना के मुख्य कारणों की बात कर रहे हैं अरब स्प्रिंग के मुख्य कारणों की बात कर रहे हैं तो देखिए अरब स्प्रिंग जो घटना हुई जो गतिविधियाँ हुई अरबी देशों में उन देशों की अगर हम कारणों इन देशों में होने वाली घटनाओं के अगर हम कारणों की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसका जो मुख्य कारण रहा वो था राजनीतिक भ्रष्टाचार राजनीतिक भ्रष्टाचार इन घटनाओं के लिए एक मुख्य कारण रहा राजनीतिक भ्रष्टाचार की जो घटनाएं जिन्हें हमने अरब स्प्रिंग नाम दिया गया विश्व राजनीति में जिन्हें अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाना जाता है इन घटनाओं के मुख्य कारण के तौर पर राजनीतिक भ्रष्टाचार को देखा जाता है क्योंकि इन सभी देशों में जहां जहां जिन देशों में घटनाएं हुई हैं उन सभी देशों में राजनीतिक भ्रष्टाचार अपने चरम पर था आम लोग आम जन राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण परेशान थे ग्रस्त थे इसीलिए लोगों के पास अंतिम मार्ग इन भ्रष्टाचारों से बचने का जो बचा वो विद्रोह था वो धरना प्रदर्शन था अपने शासकों और सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोल खोल देना एकमात्र जो मार्ग मार्ग बचा इन लोगों के पास इसलिए अरब स्प्रिंग की घटनाओं का मुख्य कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार को माना जाता है और इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण रहा अरब स्प्रिंग की घटनाओं का वो है मानवाधिकार उल्लंघन मानवाधिकार, मानवाधिकार उल्लंघन तो देखिए विश्व समुदाय ने यानी कि यूएनओ ने कुछ मानवाधिकार निर्धारित कर रखे हैं सभी देशों के लिए लेकिन इन देशों में जहां तानाशाही शासक थे या तानाशाही सरकारें थी इन देशों में मानवाधिकारों का व्यापक तौर पर बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ और इस मानवाधिकारों के हराश के कारण मानवाधिकारों के हनन के कारण ही आम लोगों को विद्रोहों का धरना प्रदर्शनों का या अपने शासकों या सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोल देने की जरूरत पड़ी इसीलिए मानवाधिकारों के उल्लंघन को अरब स्प्रिंग की घटनाओं का एक मुख्य कारण माना जाता है तीसरी बात जैसे कि हम प्रारंभ से ही चर्चा कर रहे हैं तीसरा कारण जो माना जाता है अरब स्प्रिंग की घटनाओं के पीछे वो है तानाशाही तानाशाही ये देखिए ये जो अरबी देशों की घटना जिसकी हम बात कर रहे हैं इन सभी देशों में या तो तानाशाही सरकारें रहीं या फिर तानाशाही शासक रहे और इन तानाशाही सरकारों और शासकों के कारण ही इन देशों में अरब स्प्रिंग की घटनाएं घटी इस तरह के विद्रोहों इस तरह के विरोधों का जो सामना देश की तानाशाही सरकारों और शासकों को करना पड़ा इसीलिए अरब स्प्रिंग के एक मुख्य कारण के तौर पर हम तानाशाही को भी एक महत्वपूर्ण कारण मान सकते हैं चौथा कारण आप जो आ, आ, मानेंगे वो है साम्राज्यवादी प्रवृत्ति साम्राज्यवादी प्रवृत्ति देखिए जिन जिन देशों की हम बात कर रहे हैं जिन देशों में ऐसी स्थितियां पनपी इस, ऐसी स्थितियां जन्मी कि जिनकी वजह से लोगों को अपने ही शासकों अपने ही सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा हथियार उठाने पड़े या ये कहें कि विद्रोह करने पड़े तो इसके पीछे एक मुख्य कारण माना जा सकता है कि साम्राज्यवादी प्रवृत्ति प्र, यहाँ के शासकों और यहाँ की सरकारों की अपने देश को एक देश न मानकर एक राष्ट्र न मानकर बल्कि अपना साम्राज्य मानने की जो प्रवृत्ति थी अपनी जो है सत्ता मानने की जो प्रवृत्ति थी इस प्रवृत्ति ने भी अरब स्प्रिंग की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसलिए यहाँ इन देशों में शासकों और सरकारों की जो साम्राज्यवाद साम्राज्यवादी जो प्रवृत्ति रही उनका नेचर ऐसा रहा कि वो अपने देश को अपना साम्राज्य मानते थे ये कारण भी अरब स्प्रिंग की घटनाओं के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है इसके बाद आप बात करें बेरोजगारी बेरोजगारी तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जिन जिन देशों में अरबी देशों में घटनाएं हुई हैं उन देशों में हमने ये पाया अगर हम अगर आ, देशों के, के आधार पर अध्ययन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि इन देशों में एक और देश में बेरोजगारी व्याप्त थी बेरोजगारी चरम पर थी और यहाँ की सरकारें यहाँ की सत्ताएं उस सब से अनजान उस सबको अनदेखा करते हुए अपने अलग ही कार्यों में अपने अलग ही तथ्यों में व्यस्त थीं और इसीलिए बेरोजगारी से ग्रस्त लोगों को अपने शासकों और सरकारों के खिलाफ जो है विद्रोह करना पड़ा धरना प्रदर्शन करने पड़े इसलिए बेरोजगारी को भी इन देशों में अरब स्पिन की घटनाओं का कारण माना जा सकता है बदहाल अर्थव्यवस्था हमारा अगला कारण है बदहाल अर्थव्यवस्था तो देखिए जिन देशों की में ये घटनाएं हुई हैं उन देशों की अर्थव्यवस्था उन देशों की इकोनॉमी बदहाल हो गई थी बुरे हाल हो फटेहाल हो गई थी और इसी कारण से देश के लोगों की जो मूलभूत जरूरतें थी देश के लोगों की जो आर्थिक स्थितियाँ थी वो बद बत से बदतर होती जा रही थी और इन आर्थिक स्थितियों के बद बत से बदतर होने की वजह से ही अर्थव्यवस्था के बदहाल होने की वजह से ही इन देशों में ये इस तरह की घटनाएँ इस तरह के विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा इसलिए बदहाल अर्थव्यवस्था को भी हम अरब स्प्रिंग के एक महत्वपूर्ण कारण के तौर पर देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण कारण मान सकते हैं इसके बाद जो महत्वपूर्ण कारणों की अगर हम बात करें तो हमारा अगला कारण होगा नौकरशाही का हावी होना नौकरशाही का हावी होना तो देखिए एक और जहाँ सरकारें गैर जिम्मेदार हों सरकारें अपने देश के लोगों की समस्याओं को उनकी जरूरतों को अनदेखा करती हों ऐसी स्थिति में वहाँ की नौकरशाही वहाँ की ब्यूरोक्रेसी भी कैसी होगी जैसी सरकार जैसी सत्ता होगी वैसी ब्यूरोक्रेसी की भी, भी दशा होगी हालात होंगे तो यहाँ देखिए ये पाया गया इन सभी देशों में कि जो ब्यूरोक्रेसी थी यानी कि जो नौकरशाही थी वो आम लोगों पर हावी हो गई थी आम लोगों पर कहीं ना कहीं आम लोगों की परेशानी का सबब बन गई थी इसीलिए इन देशों में इस तरह की घटनाएं घटी इसलिए हम अरब स्प्रिंग के मुख्य कारण के तौर पर नौकरशाही के आम लोगों पर हावी होने को भी देख सकते हैं अगला हमारा कारण हो सकता है प्रजातांत्रिक व्यवस्था की ओर कह सकते हैं कि अग्रसर होना प्रजातांत्रिक व्यवस्था की ओर झुकाव होना अब देखिए जिन जिन देशों की हम बात कर रहे हैं जहां पर अरब स्प्रिंग की घटनाएं घटी उन देशों में क्या था कि सभी जो देश थे वो तानाशाही से तानाशाही सरकारों और शासकों से परेशान थे इसीलिए इन देशों के जो आम लोग थे आम जनता थी उनकी इच्छा रही होगी कि उनके देश में भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो उन देशों में विद्रोह के दौरान ये देखा गया कि उन सभी लोगों ने प्रजातंत्र को यानी कि लोकतंत्र को अपने देश में स्थापित करने के प्रयास अरब स्प्रिंग की घटनाओं के दौरान किए इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था की ओर कहीं ना कहीं झुकाव होना भी अरब स्प्रिंग की घटनाओं का मुख्य कारण हो सकता है तो यहां देखिए हमने इस अभी इस टॉपिक में बात कर ली है कि अरब अरब स्प्रिंग स्प्रिंग के मुख्य कारण जिन कारणों से हुआ अरब स्प्रिंग की जो घटनाएं जिन कारकों की वजह से हुई उन सब की हमने यहां इस टॉपिक में बात कर ली है जहां हमने राजनीतिक भ्रष्टाचार मानवाधिकार उल्लंघन तानाशाही साम्राज्यवादी प्रवृत्ति बेरोज़गारी की दर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना बदहाल अर्थव्यवस्था का हो जाना नौकरशाही का आम लोगों पर आम जनता पर हावी हो जाना और प्रजातांत्रिक व्यवस्था की ओर झुकाव होना इन देशों के नागरिकों का ये मुख्य कारण के तौर पर ये मुख्य एक कह सकते हैं कि भाई कारकों के, के तौर पर अरब स्प्रिंग के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं तो आइए अरब स्प्रिंग के कारणों को जानने के बाद अब हम बात करते हैं अरब स्प्रिंग की घटनाओं के परिणामों की पहले हमने कारणों की बात की और अब हम इसके परिणामों की बात कर रहे हैं इसके नतीजे क्या हुए इसका क्या प्रभाव पड़ा पूरे विश्व पर उसकी हम बात कर रहे हैं अब हम अरब स्प्रिंग के परिणामों की बात कर रहे हैं अरब स्प्रिंग के परिणाम तो देखिए ये जो घटना पिछले एक दशक में अरबी देशों क्षेत्र में घटित हुई है इसके अगर हम परिणामों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इसके कारणों से जुड़ती हुई हैं कारण जो रहे उन्हीं के समाधान के रूप में इसके परिणामों को देखा गया तो हम अभी इस समय इस अरब स्प्रिंग घटना के परिणामों की बात विस्तार से कर रहे हैं मेरी सलाह सभी को ये रहेगी कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठें ताकि आप इस वीडियो से अपने नोट्स भी बना सकें इस टॉपिक पर तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके परिणामों के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम तो इसके पहले इसके परिणाम के रूप में सबसे पहले हम देखते हैं तानाशाही सरकारों का अंत तानाशाही तानाशाही सरकारों के अंत के रूप में हम देखते हैं इसके परिणाम को अरब स्प्रिंग घटनाओं के परिणाम को इसका परिणाम ये हुआ कि जिन देशों में इस तरह के विद्रोह हुए इस तरह की घटनाएं घटित हुई उन देशों में तानाशाही सरकारों का अंत हुआ और जहां तक हम कह सकते हैं कि इन देशों में इस तरह के विद्रोहों का मुख्य लक्ष्य मुख्य उद्देश्य भी था कि यहां तानाशाही सत्ताओं को तानाशाही सरकारों को उखाड़ फेंकना उनका अंत कर देना तो तानाशाही सरकारों का अंत एक मुख्य परिणाम है अरब स्प्रिंग की घटनाओं का अगर हम दूसरे परिणाम की बात करें तो इसमें यहाँ तानाशाही सरकारों और शासकों का बड़े पैमाने पर तख्ता पलट हुआ तख्ता पलट को यानी बहुत सारे देशों में शासकों और सरकारों का तख्ता पलट हुआ कि वहाँ के आम लोगों के विद्रोह ने वहाँ की शासकीय पद्धतियों को वहाँ के शासकीय वर्ग के लोगों को उनकी सत्ता से खड़ फेंका यानी कि बड़े पैमाने पर इन देशों में तख्ता पलट हुआ इसे हम अरब स्प्रिंग के परिणाम के रूप में देखते हैं और मुख्य चीज़ जिस चीज़ से लोग आम जन परेशान थे वो परिणाम के रूप में इन देशों में देखी गई वो था प्रशासनिक सुधार प्रशासनिक सुधार एक, एक मुख्य परिणाम के तौर पर इन देशों में देखे गए इन देशों प्रशाष्यों में प्रशासनिक व्यवस्थाएं प्रशासनिक जो तंत्र था उसमें बहुत सा सुधार हुआ जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं और तंत्र यहाँ पहले आम लोगों के लिए उनके समस्याओं का कारण था उन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुधार कर उन्हें आम लोगों के लिए जन के लिए लाभकारी बनाया गया हितकारी बनाया गया इसके परिणाम के तौर पर जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रशासन सुधारों के बाद संवैधानिक सुधारों की संविधान से ऐसे सभी प्रावधानों को जो कि आम लोगों के कही कहीं ना कहीं परेशानियों के सबब थे परेशानियों के कारण थे उन सभी को उखाड़ फेंका गया यानी कि बड़े पैमाने पर संवैधानिक सुधार हुए शासकीय व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने के लिए शासकीय तंत्र में भी परिवर्तन संविधान के द्वारा लाए गए यानी संवैधानिक सुधार इन देशों में बड़े पैमाने पर हुआ ये इसका अरब स्प्रिंग घटनाओं का एक महत्वपूर्ण परिणाम के तौर पर देखा जाता है इसके बाद अगर हम बात करें संवैधानिक सुधारों के बाद तो इस देशों की जिन इन देशों में जो घटनाएं हुई उसके एक मुख्य परिणाम ये हुआ कि क्योंकि अरब स्पिन की घटनाओं के दौरान वहाँ के शासकों ने वहाँ की सरकारों ने देश में आपातकाल की स्थितियाँ पैदा कर दी थी देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी तो उसके बाद यानी कि परिणाम के स्वरूप क्या हुआ कि आपातकाल को इन आ, आ, इन घटनाओं के परिणाम के रूप में आपातकाल को हटाया गया आपातकाल का हटाया जाना ये एक मुख्य परिणाम रहा इन घटनाओं का अरब स्प्रिंग की घटनाओं का कि इन इन देशों में आपातकाल को हटाया गया आपातकाल को निष्क्रिय किया गया अगर एक अन्य परिणाम की अगर हम बात करें अरब स्प्रिंग के परिणामों में तो देखिए ईरान को इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि तो ईरान को अरब की घटनाओं का कहीं ना कहीं लाभ हुआ क्योंकि ईरान में पहले से ही जो तानाशाही सरकारें थी सत्ताएं थी उनकी समाप्ति हो चुकी थी और जिस समय जिस काल में बाकी अन्य देशों में एशिया महाद्वीप के पश्चिमी और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में जो तेल उत्पादक देश थे वो जिस समय गृह युद्धों से मतलब ग्रस्त थे गृह युद्धों का सामना कर रहे थे अरब स्प्रिंग की घटनाओं के दौरान उस समय ईरान एक बड़े पैमाने पर तेल उत्पादक तेल जो निर्यातक देश के तौर पर उसे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ ईरान को अरब स्प्रिंग घटनाओं का फायदा हुआ इसे हम अरब स्प्रिंग के परिणाम के रूप में देखते हैं इसके अलावा इस पूरी घटना में यानी अरब स्प्रिंग की घटनाओं में इराक को विजेता से जैसा अनुभव हुआ इराक को विजेता का सा अनुभव यानी कि इस पूरी घटना जिसकी हम बात कर रहे हैं अरब स्प्रिंग जब पूरा अरबी क्षेत्र पूरा अरबियन जो आ, एरिया है हमारे आ, एशिया और अफ्रीका क्षेत्र में उस क्षेत्र में अरब स्प्रिंग की घटनाएं जिस समय घटित हो रही थी उस समय इराक और ईरान जो कि जो है कम से कम इन ऐसी परिस्थितियों से ऐसे हालातों से कहीं ना कहीं अछूते थे बचे हुए थे तो इसीलिए इराक को इस पूरे घटनाक्रम में इस पूरी चीज़ में विजेता विजेता जैसा अनुभव हुआ उसे विनर जैसी फीलिंग आ रही थी इस पूरे घटनाक्रम में क्योंकि इराक जो था वो इन सभी घटनाओं से इन सभी जो परिस्थितियों से बचा हुआ था इन सभी परिस्थितियों से दूर था अब इसके बाद हम अंत में बात करें इसके परिणामों की तो परिणाम स्वरूप ये हुआ कि इन सभी देशों में जो युद्ध लंबे समय से चल रहे थे जो स्थितियाँ देश में गृह युद्ध की सी बनी हुई थी उन सभी में शांति व्याप्त हुई गृह युद्धों शांति हुई या कि यह कहें कि क्षेत्रीय शांति व्याप्त हुई अरब स्प्रिंग के परिणाम के रूप में क्योंकि एक लंबे समय तक पूरे अरबियन जो अरबियन क्षेत्र है उसमें अशांति फैली हुई थी या देशों की आंतरिक सीमाओं में गृह युद्ध की परिणाम तो के, के रूप में यह हुआ कि इन देशों में अब शांति स्थापित हुई शांति जो है पसरी तो ये सभी क्या है अरब स्प्रिंग घटनाओं के परिणाम है अरब स्प्रिंग घटनाओं के नतीजों के तौर पर हम इन सभी चीजों को देख सकते हैं We'll you